गलत इसलिए है कि ना मैंने काजल को बनाया है और ना ही पवन भैया ने बनाया है। सर हमें बनाने वाले तो हमारी ऑडियंस है, तो हम किसी को कैसे बना सकते हैं? क्या पवन भैया काजल के बाद उसके बाद किसी हीरोइन के साथ काम नहीं किया? तो उन लोगों को क्यों नहीं बना दिए? अगर उनके अंदर ये पावर है तो फिर उसके बाद किसी लड़की को क्यों नहीं बना दिए? भाई मेरे अंदर लगा है, कोई कहे कि मैंने काजल को बनाया है तो मेरे अंदर उसके बाद पावर खत्म हो गया। सिर्फ काजल के लिए पावर था मेरा कि मैं काजल को बड़ा बना दूं, ऐसा नहीं है। काजल की अपनी मेहनत है। काजल ये भूल गई कि काजल को ऑडियंस ने बनाया है, और आज भी चलेंगी वो तो ऑडियंस की बदौलत चलेंगी। चाहे मैं भी चलूंगा तो ऑडियंस की बदौलत चलूंगा। मैं पहुंच की बदौलत मैं नहीं चलने वाला, मेरे बदौलत कौन भी नहीं चलने वाला। आज कंपनी से लेकर एक न्यूज रिपोर्टर से लेकर एक आर्टिस्ट तक सब लोग ऑडियंस की बदौलत चलते हैं। और मैं काजल को बनाने वाला कौन होता हूँ? और पवन सिंह काजल को बनाने वाले कौन होते हैं? हम खुद की अस्तित्व बचा ले तो बहुत है सर, हम किसी और को क्या बनाएंगे? अगर हमारे अंदर क्षमता होती तो हमारा भाई सबसे बड़ा स्टार होता। बिल्कुल हाँ, हमारी कोई अपनी जानने वाली लड़की हीरोइन हो जाती, बहुत बड़ी स्टार हो जाती। हमारे बस में नहीं, इसमें काजल का मेहनत है कि काजल जी ने बहुत अपने अलग दर्जा पे मेहनत की, अलग लेवल पे मेहनत किया, उन्होंने खुद पे काम की और ऑडियंस के दिल में अपनी छवि बना ली। तो ये बताइए, मेरे कहने का मतलब कि सलकता से ही उनकी अस्तित्व बनी, अगर आपके क्या बोलते हैं चिकन सामान से ही बना, जिस हिसाब से आप मुझे बोलो, तो ये बताइए उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कोई हाथ नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल। गाना कौन बनाया? म्यूजिक डायरेक्टर। बिल्कुल। साइन आपको किसने किया? वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर ने वो सोचा, उस सिनेमा को सोचा। हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारा योगदान है सब कुछ, हम कैसे भूल देते हैं? नहीं, मैंने काजल जी को नहीं बनाया और शायद पवन जी ने भी नहीं बनाया, नहीं तो काजल के बाद भी तो मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया। मैंने किसी को उतना बड़ा नाम कैसे क्यों नहीं दे दिया? मेरे बस में अगर होता तो मैं और लड़कियों को भी बड़ा नाम दे देता ना। पवन जी भी उनके बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किए, उनका स्थान काजल की तरह क्यों नहीं बना? तो इसमें किसी का योगदान नहीं सर, ना मेरा है ना पवन भैया का है और ना ही किसी कंपनी मालिक का है। कहीं ना कहीं काजल का मेहनत और सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो वो जनता का है। ये अगर उन्होंने वर्ड बोला है कि वो पवन जी के बदौलत इस मार्केट में है तो ये गलत है, इसलिए क्योंकि जनता अगर जिस दिन चाह देगी मेरा अस्तित्व खत्म कर देगी सर, पवन सिंह के अस्तित्व खत्म कर देगी, दिनेश लाल यादव के अस्तित्व खत्म कर देगी। अपने आप को हम स्टार बोल देना तो तुम अपने आप में बनो भाई, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तो ये अगर बात है तो गलत है। काजल को सॉरी बोलना चाहिए लोगों से कि वो उनकी अस्तित्व है तो सिर्फ जनता के बदौलत, जनता नहीं चाहेगी तो हम आपको स्टार नहीं बना सकते। और सच में मेरा कोई योगदान काजल को बनाने में नहीं है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि काजल की मेहनत और जनता का प्यार, यही दो चीजें हैं जो आपको दुनिया से जोड़ देती है। कोई स्टार किसी को नहीं बनाता है। मैं तो मैं भी सात भाई का, सात भाई से सबसे छोटा हूं, सारे भाई हीरो हो जाते मेरे, तो मैं अपने भाई तक को तो बना ही नहीं पाया, तो मैं किसी और को कैसे बना सकता? खेसारी लाल यादव आने वाले वक्त में काजल आडवाणी के साथ फिल्में करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक अच्छी आर्टिस्ट के साथ कौन नहीं चाहता है काम?